सो गाइस, हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे जंगलों के नीचे। हम नाइट में वॉक कर रहे हैं। आरती कर ली है, आरती और पूजा करने के बाद हम घूम रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। इसको घर, रूम को घर बोलते हैं। रूम में? हाँ, रूम में चलेंगे। हाँ, अरे बैग यही है, चल देते। मैं तो कहता हूँ हाय, क्या ही मजे आए थे वहां हमें। पहाड़ों में जाइए, वॉक करिए, एंजॉय करिए। हम लोग अब इस तरफ घूम रहे हैं, इस तरफ ज्यादा अच्छा लग रहा है। आ जाओ, थोड़ी सी आ जाओ, मना कर रही है यार। वो थोड़ा सा, वो देख, थोड़ी सी ब्लॉक के लिए आ जाओ। आगे रेस्टोरेंट, आगे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट आगे, वो आगे, वो देख, वहीं तो जाना है। मजा आ रहा है। बाबा बताइए, रेस्टोरेंट आगे के दिख, आगे देखो। खाने के बाद मैं क्या दे रहा हूँ गिफ्ट, देखते हैं कौन लेता है। कौन सी टॉफी है? ओ मछली वाली टॉफी है भाई, ले ली मुझे। हमारा मुकुल जीत गया, हमारा मुकुल जीत गया। वो तो लक्ष्य ने जिता दिया, जीत गए हम, जीत गए। और देखो, अरे मेरे को एक और टॉफी मिली, यू दे। नहीं, अब मम्मा को ले बेटा, अब लक्ष्य, अब मेरी बारी। तेरी बारी। हम सुबह कितनी टॉफियां लाए हैं, सुबह बहुत सारी टॉफीज लाए हैं। बस नहीं बची है, मम्मा को दे, तू मम्मा को देना, मम्मा को देगा। अरे उन्होंने न्यूज पेपर में रखी है ना, वो बेटा एक ही खाते है ना। हम लोग चुपचाप आ गए हैं यहाँ एंजॉय करने और अब हम चुपचाप खाएंगे आइसक्रीम। कभी कभी चुपचाप भी तो करना चाहिए, जैसे बैचलर ट्रिप होता है ना। हाँ, वैसे चुपचाप ट्रिप। पहले हम घुमाते हैं, उसके बाद खाएंगे चॉकलेट, वो आइसक्रीम। हमें अभी नौकचा दाल में और बहुत यहाँ पर मजा आ रहा है। प्रकृति का आनंद लेने तो यार पहुँच जाना चाहिए बस। अक्सर जीवन घर में ही बीत जाता आदमी का, तो इसलिए अच्छा है घूमो और पहाड़ों में एंजॉय करो। एडवेंचर पार्क है नीचे। अरे बहुत खतरनाक है यहाँ एडवेंचर पार्क। ये कितनी सुंदर जगह है, डाउन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ घूमते हुए? मैं ऐसे ही मौज कराता हूँ, पता है, घूमो फर्स्ट क्लास। पता है जो पैदल घूमने में मजा आता है ना, गाड़ी बुक करो, गाड़ी लो, उसको पैसे दो। इतनी जल्दी कैसे आ गया ये? आ ही जाता है गुड़िया, तुमने बना रखा हुआ। तो बच्चों को भी ले आते हम, हो गया तुम बेवकूफी हो, जैसे क्या तुम हो ही बेवकूफ, जैसे क्या हो, जैसा तो मैं कह सकता हूँ। मतलब बहुत छोटा लगा ये, कुछ नहीं ठहरा यार। हम तो वहाँ ऊंचा पुल आते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो कितना समझा रहा था मैं तुम्हें, तुम मेरी कहाँ समझती हो। चले ऊपर को थोड़ा बच्चों, मैं कहूँगा आज बच्चों को, तुम्हारी शिकायत बच्चों को शाम को लाएंगे, शाम को लाएंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें इस समय तुम्हें खिलाऊँ, शाम को बच्चों को खिलाऊँ, खिलाऊंगी मैं, लाएंगे। अभी तो और मेरे से कहती हो पैसे नहीं है करके, तो मैं 200 रुपये लाई हूँ, उसमें बच्चे खा तो नहीं लेंगे। 200 रुपये, तुमने मेरी भी बेइज्जती कर दिया। खा तो लेंगे बच्चे कम से कम। चलो और बताओ, वोटिंग तो नहीं भी कराओगे तो बच्चे खा तो लेंगे। ऐसे में ना रोमांटिक बातें करता। और बताओ डार्लिंग कैसी हो? जाने मन तुम्हारे लिए, ये पेड़, ये दुनिया, ये प्रकृति, ये सब कुर्बान है जाने मन, मैं भी कुर्बान हूँ तुम पे, ये प्रकृति ही हो तुम भी। मैं कह रही हूँ कि जो गर्मी में पके हुए लोग हैं, वो यहाँ पेड़ की छांव में देवदार के पेड़ों के नीचे अगर बैठेंगे ना, स्वर्ग लगेगा। और जो हमें लग रहा है, मैं बताऊँ एक बात और बताऊँगा, आप लोग अगर साथी साथ तो जुड़ रहो, क्योंकि जो आपसी झगड़े होते हैं ना, यहाँ मोहब्बत में बदल जाते हैं यार। घर में एक दूसरे को देख देख के ना, एक दूसरे को देख देख के जैसे चिड़ जैसी नहीं होती, इरिटेशन जैसी होती, तो जैसे आप प्रकृति के गोद में आते हो ना, एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है यार। सही में ओवर एक्टिंग चल रही है, आप लोग बुरा मत मानना। पैसे नहीं लाया हूँ यार ज़्यादा, ऐसे ही मन मना है बस। ये तो इतना खर्च करवा दें, ये तो आदमी को बेच दें खड़े खड़े। सही में ठीक है, ठीक है, चलो क्लोज करो।
अच्छा सुनो, होटल वोटल का खाना तो महंगा ही होता है, तो पता ही ठहरा, एज यूजुअल चाय वाय भी लेंगे। चलो ठीक, हमें बहुत मजा आ रहा है बताया ऐसे घूमते हुए, क्योंकि ओए कितनी जन्नत है ये प्लेस। नहीं नहीं बेटा नहीं, यहाँ लोगे कुछ ब्रेकफास्ट लंच डिनर बहुत बढ़िया है। चाय पिला दो, भटूरे बच जाएंगे। चाय पी लेते हैं, लंच डिनर तो हम घर से करके आए हैं। चाय पिला दो, भटूरे बच जाएंगे। मैं जैसे कह रहा था कि थोड़ी सी रोमांटिक हो जाते हैं। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। तो दोस्तों कल क्या हुआ था ना, मतलब हमारा बहुत ही झगड़ा हो गया था, लगा लो एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार हो गए थे। तो आप सोचो अब इतनी मोहब्बत आ गई है, तो आइए हमारे पहाड़ों में, ये देवभूमि में आइए, उत्तराखंड में, आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत सुंदर है ना। पुचराल तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है यहाँ, हर एक एक कोना कोना इसका बहुत सुंदर है। कुचियाताल का तुमसे सुंदर नहीं है यार, लेकिन तुमसे सुंदर नहीं है ज्यादा हो रहा है। मिल जाएगी, कितने की है पता करके बता दो यार, सस्ती सस्ती होगी पी लेंगे। बात सही है यार, चाय कितने की छोड़ो, 20 की है यार, एक पी लें, चलो पी लेते हैं। अदरक वाली बढ़िया बनाना, 20 रुपये तो ले ही रहे हो, ठीक है। ब्लॉग बना रहा हूँ, इस दुकान को सब लोग देखेंगे, सब लोग देखते हैं यहाँ पे, गटबट कर देना, बढ़िया चाय मस्त बनाना, ठीक है, तब 20 रुपये में मज़ा भी आता है देने में। चलो बात कर ली मैंने, नुकसान नहीं होगा हमें, लेकिन खुले होंगे हमारे पास यार। छोटू तुम वो ऑनलाइन ले लेते हो, पेटीएम लिखा लगाता है बाबा, हो गया पेटीएम, पानी की बोतल भी ले लेना, पानी की बोतल भी ले लेंगे जी। तो दोस्तों चाय आ गई है, और कैसा लग रहा है? अच्छा। जरूरी नहीं है जब आप घूमने आए तो महंगी महंगी चीज़ें खाएं या फालतू का खर्च करें, आप चीप एंड बेस्ट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। चाय पीजिए और हल्का फुल्का खाइए, हाँ बंद खाइए, अभी बंद आने वाला है मेरा, तो चाय बंद मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा सुकून तो यहाँ पर बैठ के आ रहा है, मतलब ऐसे ये दुकान है, ये चाय की दुकान है, और यहाँ से ऐसे ये जो व्यू मिल रहा है आपको, गर्मियों में यार ऐसा व्यू मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। मगर हम हिंदी वाली वीडियो के लिए कुछ तो स्क्रिप्ट, दो तीन मिनट की भी नहीं होगी, शाम को कर लेते। हमारा नया चैनल हमने बनाया है हिंदी वीडियो का, गरिमा शेखर जोशी करके, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, और जो मतलब हिंदी में इंटरेस्टेड है उनके लिए बनाया है वो स्पेशल, उसमें पहाड़ी कुछ नहीं है, पहाड़ी चैनल हमारा अलग है। आप दोनों अलग कर लिया ना, दोनों का अलग कर दिया, बढ़िया हो गया, अब मजे से काम करेंगे, हिंदी में अलग और पहाड़ी में अलग। ओए होए आ गया हमारा बंद, आ गया भाई, अब मैं खाऊंगा बंद चाय, तुम भी लोगी? मेरा फुल है। फुल है, तुमने भटूरे खा रखे हैं? हाँ। तुम लोगों को भटूरे से प्रेम ठहरा यार, भाई तुमने नहीं खाए भटूरे? मैंने दो ही तो खाए, मैंने तो डेढ़ खाया। अच्छा तुमसे मैंने ज़्यादा खाया, ओए मेरी तो यार पोपट हो गया, फिर पोपट आदमी का ही होने वाला हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती कि लोग ना सारे के सारे नैनीताल ही घुस जाते हैं। मैं बताऊं दोस्तों, अगर आप पहाड़ में घूम रहे हो ना, तो नैनीताल से लाख गुना अच्छा मुझे लगता है नौकुचियाताल है, क्योंकि नैनीताल भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, पर वहाँ पर ना सभी लोग घुस जाते हैं, और सभी लोग एक ही जगह जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा घुस जाता है, और वहाँ पर क्या है, जगह कम है, बहुत कम है। यहाँ तो आप गाड़ी चलाओ, देखो गाड़ी वाड़ी लेके आ रहे लोग, तो आराम से पार्किंग भी यहाँ पर बहुत बढ़िया है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई भीड़ नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का लेक भी बहुत बड़ा है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, देखो नीचे हाँ। पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और वो पैराग्लाइडिंग चल रही है सामने, पैराग्लाइडिंग दिख रही है ना वो, देखो इसमें दिख ही नहीं रही, तुम बड़ा कर, थोड़ा धुंध धुंध सी हो रही है ना, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी करते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि दोस्तों ये आप अगर इंजॉय करना है ना, सच में नौकुचियाताल की तरफ आओ, नौकुचियाताल इंजॉय करने के लिए सबसे बेस्ट लगा मुझे तो। यहाँ पर रिसॉर्ट्स की कमी भी नहीं है, यहाँ पर हमने शूट करा था उधर ऊपर, और मज़ा आ जाएगा आपको।
नैनीताल में क्या है ना, स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही कम स्पेस है। पता नहीं कैसे लोग वहीं और वहीं घुस जाते हैं सब लोग। सबसे बड़ी बात, हम लोग भी जाते हैं कभी, हम तो यहीं के हैं लोकल के, बिल्कुल वहाँ पर आना जाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप आराम से घूम सकते हो। तो ये हम लोग इस तरीके से खाना खाते हैं। ओए ओए। यहाँ पे क्या है, सब लोग खाते हैं टाइम पे, और सबसे अच्छी बात क्या है कि खुद खाते हैं और खुद वहाँ पे बर्तन धोते हैं, ये सबसे अच्छा लगता है। ये दोनों नाश्ते पे बैठ गए। ओए ए हेलो गाइस, चाय बोल दे। हे गाइस बोल दे। हे गाइस बोलो, क्या कर रही है स्टूडेंट की। फाइनली हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, मतलब कथा सुन के हम सीधे चले जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने बैग वैग अपने सारे अभी से गाड़ी में डाल दिए हैं। हम लोग बस सीधे इसके बाद निकलेंगे, कथा पूरी होगी और हम लोग जाएंगे हल्द्वानी को।